सेना के जवान को जब क्वारंटाइन किया जाता है। दोस्तों मामला बड़ा मजेदार है, काम की चीज है। जब वह चढ़ता है एरोप्लेन में, जाना है ड्यूटी, टिकट पहले से करा दिया गया है, आरटीपीसीआर की जांच कराया और जांच रिपोर्ट लेकर के जाना था, जांच रिपोर्ट समय से आई नहीं, फिर क्या हुआ, अब तो टिकट हो गया है तो जाना ही है, चल दिया। जब उसका एरोप्लेन लैंड कर रहा है मुंबई एयरपोर्ट पर, लैंड करते ही नेटवर्क पकड़ा और आ गया मैसेज कि आप कोरोना पॉजिटिव हो। उसके बाद सेना का जवान राष्ट्रहित में तत्काल बोलता है कि भाइयों जो भी यात्री हैं, सम्मानित यात्रियों, मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, आप लोग हमसे थोड़ी दूरी बना लें। सभी यात्री दूरी बना लेते हैं और इनको अच्छा भी कहते हैं, कहता है कि अभी हमारा यह मैसेज आया है जिसके आधार पर मैं, तो सभी दूरी बना लेते हैं। उसके बाद जो उसके कर्मचारी हैं संबंधित जो प्लेन है वहाँ बताया जाता है और वो लोग तुरंत फोन करते हैं संबंधित को, और यह फोन मुंबई बृहन नगर पालिका को भी जाता है। जाने के बाद इनको पहले बैठाया जाता है कहीं और फिर महानगर पालिका के कर्मचारी और चिकित्सीय टीम एम्बुलेंस लेकर के आती है, इन्हें बैठाती है और ले जाती है उस क्वारंटाइन सेंटर, वहाँ ले जाती है जहाँ आइसोलेशन वार्ड बना हुआ है। सेना का जवान पहुँचता है, 14 दिन तो वहाँ रहना है। अब आप आगे का वीडियो देखिए और खुद जानिए कि मुंबई में क्या स्थिति है और किस प्रकार आइसोलेशन वार्ड जो है और क्वारंटाइन किस तरह से लोग किए जाते हैं, वीडियो देखें सादर। नमस्कार, ब्रजभूषण मार्कंडेय चैनल की तरफ से आप सभी दर्शक लोग को सादर प्रणाम। आज हम हैं बीएमसी मुंबई में हैं और यहाँ के कोविड मैनेजमेंट का पूरे देश में तारीफ हो रहा है। यहाँ के मैनेजमेंट सेल को और बीएमसी को अभी कल ही सुप्रीम कोर्ट ने भी बधाई दिया है और प्रोत्साहित भी किया है, कई लोगों को बोला है कि यहाँ के मॉडल से सीखा जाए। तो आज हम जानना चाहेंगे कि आज यहाँ पे कैसा मिल रहा है। आज बीएमसी के ही कोविड केयर सेंटर में है, हम हैं जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग के बॉयज हॉस्टल को कोविड केयर सेंटर के रूप में कन्वर्ट किया गया है। तो आज हम जानते हैं एक पेशेंट से कि इनको क्या मिल रहा है यहाँ पे, कैसी सुविधा है और क्या चल रहा है यहाँ पे। तो भाई साहब, आपका शुभ नाम? प्रमोद कुमार। आपको यहाँ पे कैसे आए? सर एक्चुअली मैं ट्रैवलिंग करके आया हूँ दिल्ली से यहाँ पर, तो यहाँ पे मैं आके पॉजिटिव, मुझे रिपोर्ट का पता लगा कि मैं पॉजिटिव हूँ। मैंने ऑन द स्पॉट बीएमसी को इन्फॉर्म किया और तुरंत आइसोलेट हो जी, ताकि बाकी समाज में मैं इन्फेक्ट ना हो सकूं। आप खुद को भी बचाए और समाज को भी बचाने का कार्य किया, होना भी यही चाहिए कि आपको मिले तो आप तुरंत ट्रीटमेंट के लिए जाइए और लोगों को संक्रमित होने से बचाने का भी काम करिए। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपने अच्छी जिम्मेदारी निभाई, देश को भी बचाया, खुद को भी बचाया। तो आपको यहाँ पे कैसे लाया गया, फिर क्या किया गया? तो जैसे ही मैंने उनको इन्फॉर्म किया, वो मेरी लोकेशन ट्रेस करके वहाँ पर एम्बुलेंस गई और मुझे वहाँ से पिक किया और इस सेंटर में छोड़ दिया रात को लगभग 11। इनका आचरण कैसा था उस समय आपसे बात करने का? स्वभाव था जो एम्बुलेंस की में जो ड्राइवर थे और जो बाकी लोग थे नर्स वगैरह, तो उनका बड़ा अच्छा स्वभाव था। और यहाँ का जो स्टाफ है बहुत ही अच्छा स्वभाव है, सब कुछ हाइजेनिक है, एकदम क्लीननेस है और खाना जो है खाना भी अच्छा। खाना में क्या क्या आपको मिलता है? खाना में सुबह ब्रेकफास्ट जाता है चाय के साथ और जो भी यहाँ की डिशेस होती हैं, जैसे वैसे मैं महाराष्ट्र डिशेस से वेल थर्मलाइज नहीं हूँ तो वो मिल जाती है। ठीक है, तो खाने लायक है, मतलब पेट भर जाता है, आत्मसंतुष्टि मिलती है। जी जी जी, खाना ठीक है। और साफ सफाई के बारे में आप क्या कहेंगे? साफ सफाई यहाँ का जो स्टाफ है बहुत ही सही है, उनको कंप्लेन करने की कभी ऐसी नौबत ही नहीं आई, वो खुद ही इतना अच्छे से रखते हैं सब, एकदम क्लीननेस है। फिर आपको और कोई जरूरत पड़ती है तो फिर आप कैसे अपने जरूरत को पूरा करते हैं यहाँ पे? जैसे आपको साबुन हुआ, सर्फ हुआ, तेल? जैसे ही एडमिशन हुआ तो वहाँ से हमें हेल्पलाइन नंबर इशू हुआ और जैसे किसी भी चीज की हमें टूथपेस्ट,
ब्रश, साबुन, वॉशिंग पाउडर, किसी भी चीज़ की हमें आवश्यकता हो, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर हो, हम किसी भी समय कॉल करते हैं। जैसे 12 बजे सपोज हमारा पानी ख़त्म हो गया, हमने कॉल किया रात को, तो रात को ही वो पानी प्रोवाइड करते हैं। अभी अगर आपको अभी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी तो हॉस्पिटल में अवेलेबल है? अवेलेबल है यहाँ पे ऑक्सीजन। जब से आप आए हैं तब से आपको कोई बहुत ज़्यादा पेशेंट परेशान या कुछ दिखा? नहीं, इस तरह की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका भी प्रावधान है यहाँ, अगर किसी को आवश्यकता है ऑक्सीजन की तो ये लोग प्रोवाइड कराते हैं। जी, और यहाँ पे ट्रीटमेंट में क्या आपको मिल रहा है? ट्रीटमेंट में रूटीन चेकअप होता है मॉर्निंग में और इवनिंग में, डॉक्टर लोग आते हैं, वो पल्स चेक करते हैं, ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं और मल्टीविटामिन की टैबलेट देते हैं। अगर किसी को कोई अदर सिम्टम्स है, खांसी है, बुखार है, तो वो उसका भी मेडिसिन देते हैं। जी जी जी, और आपको यहाँ से कुछ और भी मिला होगा, गर्म पानी वगैरह का? पानी उनी का कैसी सुविधा है यहाँ पे? पानी पानी हम थोड़ा रूम के बाहर ही लगा हुआ है फाउंटेन, वहाँ से ले लेते हैं, और गर्म पानी के लिए हमने उन लोगों को कहा कि गर्म पानी हमें चाहिए, तो उन्होंने हम लोगों को एक एक कैटल दिया है, तो रूम में कभी भी गर्म, मतलब व्यक्तिगत रूप से सबको इशू कर दिया गया है कि आप अपना गर्म पानी पीजिए, जो करना है वो करिए, सारी चीजें आपके एक फोन पे मिल जाती है, आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करते हैं और आपको सामान मिल जाता है। भले ही आपको 12 बजे रात की को जरूरत पड़े तो 12 बजे भी मिल जाता है आपको, ये बहुत अच्छी सुविधा है। और आप इस व्यवस्था को कितना रेटिंग देना चाहेंगे? मैं तो सर 5 स्टार से अगर ऊपर है तो वो देना चाहूंगा, और बहुत बहुत ही, मतलब ऐसा लगा नहीं, किसी का भी स्वभाव इतना अच्छा था, सभी का कैसा लगा ही नहीं कि हम क्वारंटाइन है, बड़े अच्छे से लाइक फैमिली में जैसे केयर होती है उस तरह से लोगों ने। सरकारी व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था, मतलब ये नहीं कहा जाए सरकारी है, ये है बीएमसी है, वहाँ बड़ा कबाड़ा होगा, ऐसा कुछ नहीं है जी। तो हमारा चैनल के जो फाउंडर हैं माननीय ब्रजभूषण दुबे जी, उनका हमेशा मानना होता है कि भाई हम जनता मालिक होती है देश का जी। और हमको भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में जो वर्णित है कि ये हमको सम्मान के साथ जीने का अधिकार होना चाहिए, स्वास्थ्य का अधिकार होना चाहिए, शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, सारी चीजों का यहाँ पे अनुपालन अक्षरता किया जा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है जी, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? हाँ जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम आपको यहाँ पे दिखाना चाहते हैं यहाँ पे रूम और हॉस्पिटल के नाम पे क्या बनाया गया है। यहाँ पे अच्छे से एक बेड दिया गया है सेपरेट, इन लोग को ये गद्दा दिया गया है, सामान अपना रख सकते हैं, बगल में ये एक रैक है, इस पे अपना ये गर्म पानी वगैरह ये कर सकते हैं, अच्छे से ये बालकनी है जिसपे ये लोग टहलते हैं। अच्छा, एक बात बताइए भाई साहब, जब कोरोना हुआ जी, तो कोरोना होने के बाद आपका रिएक्शन क्या था और अपने आप को रिकवर कैसे किया? एक्चुअली सर, मैं बिल्कुल भी पैनिक नहीं हुआ, मैंने खुद को संभाला, और जो है क्योंकि ज्यादा टेंशन अगर लेगा आदमी तो फिर रिकवरी के चांस बहुत, ब्रीथिंग की भी प्रॉब्लम हो सकती है, और सब तो एक तो पहली बात तो यह है कि पैनिक नहीं होना चाहिए, मतलब पैनिक नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं है जी, इसको नॉर्मल फ्लू की तरह लेके चले आदमी, तो कम से कम तो घबरा के सांस ना फूलेगी जी, प्रिकॉशन लेने जो सर, सैनिटाइज करते रहिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन पैनिक मत होइए कि मुझे कोरोना हो गया है। तो 14 दिन क्वारंटीन में पास करने का क्या तरीका आपने निकाला? 14 दिन आपको रहना है जी, तो इंटरटेनमेंट के लिए आप मोबाइल देखे होंगे, वेब सीरीज देखे होंगे, जिससे आप खुश हो सकते हैं जी। ज्यादा से ज्यादा कोशिश की है कि घर के संपर्क में रहे, तो घर 1-2 घंटा कम से कम 5-6 बार घर पर फोन करते थे, तो फैमिली से बात करते थे, तो सबसे अच्छा तो यह है कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, तो वो हमें सबसे ज्यादा अच्छा जी। आपके सुझाव और यहाँ पे आपके ट्रीटमेंट की जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या वॉशरूम की व्यवस्था है, क्या क्लीनिंग की व्यवस्था है? तो ये यहाँ पे देखिए, वॉश बेसिन मिला हुआ है, वेस्टर्न टॉयलेट है, ये भी नीट एंड क्लीन है, बाथरूम है इधर, इधर भी लोग हैं, 4 लोगों के बीच में ये है, और ये बालकनी है जिसमें ये लोग टहलते हैं, और सामने रिसेप्शन है, वो चेयर है, कोई भी एडमिट पहले वहाँ पे होने से पहले आता है, वहाँ पे नॉर्मल चेकअप किया जाता है, सैनिटाइजेशन का काम आप जैसा कि देख सकते हैं कि हमेशा होता रहता है, नियमित रूप से चलता रहता है। वो यहाँ का एंट्रेंस है, और चूना से सैनिटाइजर से हमेशा सैनिटाइज करने का
काम किया जाता है। वातावरण से पोषित इलाका है ये। 8 मंजिला बहुमंजिला इमारत है जिसमें लोग आराम से रहते हैं और इसमें 1000 से ज़्यादा पेशेंट को रहने की सुविधा है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।